बहुत से हमने सेलिब्रिटीज देखे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हमने सुना, सतीश कौशिक जी के बारे में सुना, ये सब लोगों की जो डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के कारण हुई है। मैं डियर सिस्टर संस्था का इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हमारा ड्रीम है कि हम एक पेशेंट का इलाज करें, उससे बेटर है कि 100 पेशेंट को हार्ट अटैक होने से रोकें या उसके संबंधित उनको जानकारी दे पाए। इसी तरीके से बड़ा खराब महसूस लगता है जब कोई किसी का बारे में सडनली सुनने को मिलता है कि हमारा ये यार दोस्त 3 दिन पहले हमें मिला था और आज इस दुनिया में। हार्ट जो है हमारी बॉडी का इंजन है। डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन, मतलब कि जैसे सफ़ेद नमक, अब देखो बिल्कुल तो हम नहीं बंद कर सकते, 5 ग्राम्स तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। शुगर की बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती, फीलिंग ऑफ गुड होता है, ठीक है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ एडिक्शन। 3 वाइट चीज़ें स्पेशली नमक, चीनी और मैदे को अगर अवॉइड करते हैं तो आपके हार्ट के लिए समझ लिए रामबाण है, 80-90% चांस है कि हार्ट डिजीज को हम रोक सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज में या स्ट्रेनस जिम में जाना चाहता है तो पहले एक बार एटलीस्ट एक अपना रूटीन चेकअप जरूर करा ले। 3 टेबलेट्स जो भी आपने बताई, जब उस स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये 3 टेबलेट्स तो आपके पास घर पे अवेलेबल होनी चाहिए, हो सके तो एक गाड़ी में भी रखें, एक अपने वर्क प्लेस पर भी रखें, ऑफिस में भी रखें, ड्रोर में होनी चाहिए आपके। और जो अगर अपने घर पे मेंबर 60-70 प्लस है तो उनकी पॉकेट में भी होनी चाहिए। ये हम ज्यादा नहीं सोचते, अगर हमने 1-2 जाने भी अगर हम बचा लेते हैं तो आई थिंक हमारा पर्पज पूरा हो जाता है कि हम अपनी तरफ से हमने हमारी ड्यूटी कर दी। बाकी आप सब लोगों का भी कर्तव्य है कि सर के इस मैसेज को हर घर तक पहुंचाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं आए दिन, इन दिनों में सबसे ज्यादा अगर जिन मौतों का जो कारण है वो हार्ट अटैक है। हमने सेलिब्रिटीज देखे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हमने सुना, सतीश कौशिक जी के बारे में सुना, ये सब लोगों की जो डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के कारण हुई है। और पिछले कुछ सालों में तो पहले तो क्या होता था कि 50 साल से ऊपर के लोगों के बारे में हम सुनते थे कि इनको हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई, लेकिन अब यंग एज के लोग भी बहुत ज्यादा इसी बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस चीज के बारे में सोचें और सोसाइटी को अवेयर करें भी इन तरीकों से हम बच सकते हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से या हार्ट संबंधी अन्य बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज शहर के जाने माने डॉक्टर मनदीप गर्ग जी, जो कि DM इन कार्डियोलॉजिस्ट है, हमारे साथ आज बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं सर आपका कि आप हमारे इस मंच पे हमारे साथ उपलब्ध हैं और आम जनता को आप बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सर पहला तो यही हमारा आपसे क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक की बीमारी इन दिनों में हमें इतना सुनने को क्यों मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डियर सिरसा ऑर्गेनाइजेशन का, दरवेश जी का, जिन्होंने मतलब इस इनिशिएटिव को टेकअप किया है, क्योंकि बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर बनने में 15 साल का समय लगता है। तो हम लोग क्या कि या तो बुक्स में लगे रह जाते हैं या फिर ऑपरेशन थिएटर में रह जाते हैं, तो वो काम तो करते हैं जो करना चाहिए, पर वो काम जो सोसाइटी के लिए होना चाहिए वो शायद हम पूरी ज़िंदगी निकल जाती कभी नहीं कर पाते। तो हार्ट अटैक जो रोकने वाला काम है वो कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं होता अपनी ज़िंदगी में ये काम करने का। मैं डियर सिस्टर संस्था का इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हमारा ड्रीम है कि हम एक पेशेंट का इलाज करें, उससे बेटर है कि 100 पेशेंट को हार्ट अटैक होने से रोकें या उसके संबंधित उनको जानकारी दे पाएँ ताकि लोग अवेयर हो सकें। इसी तरीके से बड़ा ख़राब महसूस लगता है जब कोई किसी का बारे में सडनली सुनने को मिलता है कि हमारा ये यार दोस्त 3 दिन पहले हमें मिला था और आज इस दुनिया में नहीं। तो ये बहुत पेनफुल टाइप की डेथ है, पेशेंट के लिए नहीं, उसकी फैमिली के लिए, उसके अटेंडेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट को चला ही जाता है, उसके अटेंडेंट के लिए बड़ी पेनफुल होती है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार कल तो मेरे से मिला था आज वो है नहीं इस दुनिया। एक तो जैसे दरवेश जी ने कहा कि रीज़न क्या है इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स होने का, तो मैंने जैसे आप कह रहे थे कि हार्ट जो है हमारी बॉडी का इंजन है, तो आप खुद सोचिए कि जैसे आप बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हो, तो उसको सुबह सुबह उठ के पहले पानी से साफ करता है, इंजन की सर्विस कराता है। क्या कभी हम अपने बॉडी के इंजन की सर्विस कराते हैं? आप खुद सोचो कि हम गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल जाती है तो हमारे पास ऑलरेडी खुद सिग्नल आने लग जाता है कि यार अभी सर्विस कराएंगे उसके बाद चलाएंगे। तो मैं उसी बात को इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि क्या हम अपने हार्ट की सर्विस करते हैं?
क्या हम आधा घंटा अपने 24 घंटे अपने हार्ट को यूज करते हैं, क्या हम आधा घंटा 15 मिनट अपने हार्ट को देते हैं, उसका मतलब ये है कि हमें कम से कम आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक, वो भी ब्रिस्क वॉक, जिसमें कि थोड़ा बंदे को पसीना हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का, इतना जिसको लाइट जॉगिंग कहते हैं, इस टाइप का जरूर 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 करना चाहिए। अदरवाइज़ अभी जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसके तो बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों इतने सारे बढ़ रहे हैं। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। देखो जी, स्टार्टिंग का मतलब ये है द्रवेश जी कि जैसे कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ आपके घर में, कोई भी बीमारी आती है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन। वो बीमारी आपकी किचन से, रसोई से शुरू होती है। ऐसे शुरू होती है कि आप क्या चीज़ें बना रहे हो, क्या चीज़ें खा रहे हो और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसको यूज़ कर रहे हो। ये बात तो होती है घर की। अब बहुत सारे लोग जैसे सारा दिन खाते ही बाहर का है, तो वो डिजीज प्रोड्यूसिंग होता ही होता है। अब उसमें क्या है कि जैसे भगवान ने जितना भी खाने का सिस्टम बनाया है, जो भी नेचुरल है, नेचर के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो जितना भी अपन वो चीज़ें लेते हैं ना, दे आर लीस्ट हार्मफुल ही है। अब मतलब जो फास्ट फूड है उससे बचने की आप मेन एडवाइस कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि फास्ट फूड तो एक जैसे जनरल टर्म होगी, अपन कहें प्रोसेस्ड फूड। एक सर एक क्वेश्चन और है जो इसी से रिलेटेड है मेरा, कि हार्ट अटैक क्या अन्य बीमारियां भी कारण बनती है? जैसे बीपी के बारे में बड़ा सुना जाता है कि हम बीपी के कारण हार्ट अटैक हो गया, ये भी क्या रीजन है सब? ये शुगर के कारण हार्ट अटैक हो जाए, ऐसा कुछ भी होता है क्या? ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 है तो आपके हार्ट को 120 के प्रेशर पे पंपिंग करनी है। बिल्कुल। आपका 160 है तो 160 पे पंप करेगा। अब वो अल्टीमेटली किसी दिन तो फैटीग होगा। बिल्कुल। तो उसका फैटीग लेवल जब अचीव होने लगता है तो उसको हम हार्ट अटैक को करेगा या फिर वो हार्ट फेलियर में जाएगा। तो सिमिलरली जैसे शुगर है, अब जिस पेशेंट की शुगर होती है तो जनरली उसके, अपन सिंपल लैंग्वेज में यूज करें वर्ड, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अगर सर अब इन शॉर्ट में अगर हम ये जानना चाहें कि हमारी डाइट में से हमें कौन सी चीज़ स्ट्रिक्टली हटा देनी चाहिए, अब तो इन चीज़ों को तो हमें यूज़ करना ही नहीं है, स्ट्रिक्ट गाइडेंस आपकी तरफ से शहरवासियों को क्या हो सकती है सर? जिसे सिंपल इसमें अपन ये कह सकते हैं कि सफ़ेद चीज़ है ना, सफ़ेद का मतलब है कि जैसे सफ़ेद नमक। अब देखो बिल्कुल तो हम नहीं बंद कर सकते, 5 grams तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। पर वो 5 grams हमें ना पानी में भी मिल रहा है। ठीक है। ओके। वो हमें रूटीन खाने में उतना का डल रहा है, तो अपना अगर आप देखें तो पर पर्सन 5 gram पर डे जो नमक है इनफ है, मोर देन इनफ है, रिक्वायर्ड है, ज्यादा नहीं। ठीक है। सेकंड थिंग है व्हाइट शुगर, खाना भी कोई बहुत सजेस्टेबल नहीं है। शुगर की बॉडी को कोई जरूरत नहीं होती। ये तो हमारा एक्चुअली क्या है कि हम शुगर लेते हैं तो एक जैसे आप उसको टंग पे रखते हैं ना, तो बॉडी में एक जैसे डोपामिन रिलीज कराती है। ओके। एक फीलिंग ऑफ गुड होता है। ठीक है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ एडिक्शन। ओके। मतलब नमक और शुगर आप एडवाइस करते हैं? नमक, शुगर, मैदा। ओके। इतनी भी चीजें इससे बनती हैं आगे। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट एडवाइस है सभी शहरवासियों के लिए। मतलब आपको इसके लिए ओपीडी में आने की जरूरत नहीं है, एक प्रिकॉशन मिल रहा है डॉक्टर साहब की तरफ से आपको कि आप 3 व्हाइट चीजें स्पेशली नमक, चीनी और मैदे को अगर अवॉइड करते हैं तो आपके हार्ट के लिए समझ लिए रामबाण है। 80-90% चांस है कि हार्ट डिजीज को हम रोक सकते हैं। बहुत अच्छे से मतलब आपका उसका इफेक्ट होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे अभी आपने बोला कि वर्कआउट करना जरूरी है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में देख रहे हैं कि लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करते समय उनको हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छा, तो इस चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ सर। एक्चुअली क्या है ना कि पहले जैसे क्या था कि हमारे पीडियाट्रिक जो बच्चे पैदा होते थे, हाँ जी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो उस चीज को टैकल करने के लिए एक एंटीनेटल स्कैन का आया कि 20 हाँ, पहले हाँ, पहले चेक कि पहले ही लगभग सारा कुछ स्कैन हो जाए ताकि इस तरह के स्पाइना बाइफिडा, इस तरह के बच्चे ना हो। तो अब जो जिम में हार्ट अटैक आने के 2 रीजन होते हैं, एक तो ये कि उसको पहले से ही कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, कि जमांदर उसके वाल में ब्लॉकेज है, दिल में छेद है, उसने एकदम से जिम में गया
एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लीजिए, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, तो इस तरह के जो भी मतलब हम कहेंगे कि यंगस्टर ऑलरेडी प्रोन होते हैं, हाँ जी, जो कि जिनको अवॉइड करना चाहिए, तो वो वहाँ कर। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज में या स्टर्नस जिम में जाना चाहता है तो पहले एक बार एटलीस्ट एक अपना रूटीन चेकअप जरूर करा ले। और सेकंड थिंग ये कि रूटीन चेकअप कराने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टर्नस एक्सरसाइज एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार कोरोनरी डिसेक्शन हो जाते हैं। जैसे आप अपन एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सेस खींचेंगे ना, धक्का नहीं करना है, मतलब एक्सरसाइज जितना बॉडी अलाउ कर रही है ज्यादा नहीं खींचना, तो आप आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। हार्ट अटैक तो इसलिए नोटिस हो जाता है कि बंदे की जान चली जाती है उससे, कई बार उसकी बोन टूट गई, लिगामेंट टूट गया, वो चीजें आप नोटिस नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी जिम रिलेटेड इंजरी, वो भी बॉडी का पार्ट ही है, बस वो जब टूटता है तो बंदा ही चला जाता है, बस इसका इफेक्ट ज्यादा डेंजरस है। अब सर एक क्वेश्चन और, ठीक है हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखते हैं या नहीं रखते हैं वो देखिए लोगों के ऊपर है, फिर भी अगर हार्ट डिजीज अगर हो भी गई है, उसको अटैक फील हो रहा है, तो वो किस तरीके से उस समय अपने आप को फिलहाल के लिए बचा सकता है? देखो कई बार हम ये सुनने को मिलता है कि हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाया, रात को सोया ही रह गया, भी पेशेंट को कुछ तो दर्द फील होता होगा, तो उस समय क्या उसके पास अवेलेबिलिटी हो कि जिससे वो उस समय अपनी मृत्यु को टाल सके? तो इस चीज को पहले, सबसे पहले तो मैंने वही कहूंगा कि सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा, मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आपका अगर हार्ट रेट राइज नहीं करता है और उस पर आपको आप उसको इंजन को सर्विस नहीं कर रहे हैं, एक टाइप के जैसे कहते हैं ना किसी ऑर्गन को यूज करते हैं तो वो खराब होता है, हार्ट को ज्यादा यूज करते हैं तो वो ज्यादा जवान होता है, जवान होता है, तो उसमें कोलेट्रल डेवलप होते हैं, तो इसकी टेंडेंसी आपकी सडन डेथ की कम होती है। और अगर इन केस कभी मान लीजिए ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो एक डिस्प्रिन की टेबलेट, उसकी एग्जैक्ट डोज है तो 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन की गोली, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल की गोली और 40 मिलीग्राम अटोरवास्टेटिन की टैबलेट, एक किट है। अभी यूपी में भी ये राम किट के नाम से फेमस हुई थी, ओके, वो हमारे टीचर हैं वहाँ पे एलपीएस कार्डियोलॉजी, उन्होंने इनको राम किट का नाम दे, क्योंकि गांव का आदमी तो कुछ समझेगा नहीं होता राम किट, तो इसमें हम 3 टैबलेट देते हैं पेशेंट को सबसे पहले। ये कोई गैस का मरीज भी अगर खा ले तो कोई नुकसान नहीं है, हर किसी के घर पे मेरे हिसाब से 5-7 किट तो रखी होनी चाहिए, एटलीस्ट आप अपने पड़ोसी को भी दे सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा टेबलेट्स तो हर पर्सन के घर पे, ये 3 टेबलेट्स जो भी आपने बताई जब उस सीन पे दिख रही होगी, ये तीनों टेबलेट्स तो आपके पास घर पे अवेलेबल होनी चाहिए, हो सके तो एक गाड़ी में भी रखें, एक अपने वर्क प्लेस पर भी रखें, ऑफिस में भी रखें, ड्रॉर में होनी चाहिए आपके। और जो अगर अपने घर पे मेंबर 60-70 प्लस है तो उनकी पॉकेट में भी होनी चाहिए, पॉकेट में भी होनी चाहिए। क्या सर कोई ऐसे कोई टेस्ट भी है जो आपकी तरफ से आप कहते हैं कि हाँ भाई ये 6 महीने साल में पर्सन को करा ही लेने चाहिए या उससे भी कम समय में करा लेने चाहिए, स्पेशली इस टाइम में जब ज्यादा हार्ट अटैक सुनने को मिल रहे हैं? इसमें क्या दरवेश जी, देखो टेस्ट तो मेनली हार्ट के 3 टेस्ट होते हैं, ECG, इको और TMT। Okay. पर हमें इतना भी नर्वस नहीं होना है कि हर बंदा ही अपने सारे टेस्ट कराते घूमे, हाँ, सही बात है, वहम ज्यादा हो जाएगा। जी जी जी, इसमें मेन डिपेंड ये करता है कि आपकी एक तो जेनेटिक्स, ओके, आपके ब्रदर को, सिस्टर को, फादर को, मदर को, किसी को अगर किसी भी अनयूजुअल एज पे मिस हैपनिंग हुई है हार्ट अटैक के कारण होंगी स्पेशली, तो फिर आपने ये ECG को TMT अपना करा लेना, वो भी आफ्टर द एज ऑफ 45 या 50 है ना। थर्ड थिंग जो है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो कराते हैं अपन, कि ओनली कोलेस्ट्रॉल करा लिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है, उस चीज को लेके कभी भी बंदे को नर्वस नहीं होना है कि अगर मान लो मैंने आज अपना कोलेस्ट्रॉल करा लिया, मेरा कोलेस्ट्रॉल 300 आ गया, ठीक है जी, तो उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हो आपके, आम पर्सन जैसे मैं भी अभी तक ये सोचता था कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो समझिए हार्ट अटैक आपको आ सकता है, ये मैं ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बॉडी का सर्कुलेटिंग पार्ट है, ओके, ठीक है, आपकी डिपोजिशन का मार्कर नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर हम थोड़ा सम अप करें तो आप प्लीज हमें मुझे सही कीजिए अगर मैं गलत कहता हूँ, तो कि एक तो आपको अपनी डाइट ठीक करनी है जिससे 3 वाइट चीजें सर ने बताई, मैदा, चीनी और नमक, इनका आपने यूज नहीं करना है, नमक जो खाने में नॉर्मल होता है उसी को यूज करना है, एक्स्ट्रा से यूज नहीं करना है, चीनी और मैदे को तो छोड़ ही देना चाहिए, बिल्कुल हाँ भी त्याज्य पदार्थ है ये। और फिर भी अगर हार्ट अटैक अगर किसी को आता भी है तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, जो 3 टेबलेट सर ने बताई है, 3 टेबलेट की किट बनाकर आप अपने पास रखिए, आपके बेडरूम में होनी चाहिए, आपके बाथरूम टॉयलेट के आसपास होनी चाहिए, जहां नॉर्मली सुनने को मिलते कि नहाते टाइम
पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आपके ऑफिस के ड्रॉर में होनी चाहिए या आपकी गाड़ी में भी हो सके तो वो होनी चाहिए, ताकि आप उसको समय रहते आप उसको यूज़ कर पाएं। तो मैं आप सबको दोबारा से बताना चाहूँगा कि मनदीप सर हमारे साथ फरवरी महीने में पूरा महीना हमारे साथ है, हम इनसे एडवाइस लेते रहे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप पूरा महीना हमसे जुड़े रहिए, प्लस जितना हो सके अपने आसपास इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को अपने हर घर तक पहुंचाना है और कोशिश करनी है कि अब हम हमारे आसपास हार्ट अटैक से इंसान को हमने मरने नहीं देना है। दो स्टेज, पहला तो हमने अपने घर का, जैसे सर ने बोला कि किचन को सुधारना है हमें, वाइट चीजों को हटाना है, बाकी अपने डाइटरी हैबिट से हमें फास्ट फूड वगैरह, मार्केट के जो प्रोसेस्ड फूड सर ने जो नाम लिया, प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है, और प्लस टाइम टू टाइम अपना छोटा मोटा चेकअप अपना कराते रहिए और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। तो अंत में सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ये बहुत, आपने जो आज ये जो हमारी वीडियो है, ये हम ज्यादा नहीं सोचते, अगर हमने एक दो जाने भी अगर हम बचा लेते हैं तो आई थिंक हमारा पर्पज पूरा हो जाता है कि हम अपनी तरफ से हमने हमारी ड्यूटी कर दी। बाकी आप सब लोगों का भी कर्तव्य है कि सर के इस मैसेज को हर घर तक पहुंचाएं, आप भी इसी मुहिम का हमारे साथ क्या है भागीदार बनिए। थैंक यू सर।